अब हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रल डोमेन, समझ गए। इंटीग्रल डोमेन बहुत ही छोटा टॉपिक होता है, रिंग पर ही बेस्ड होता है। क्या होता है इंटीग्रल डोमेन? डेफिनेशन है ए रिंग, बल्कि ए कम्यूटेटिव रिंग, यानी कि रिंग क्या होना चाहिए? कम्यूटेटिव विथ यूनिटी, यानी कि उसमें और ही साथ साथ क्या होना चाहिए? यूनिटी। Having more than one element, एक से ज़्यादा element होना चाहिए उस ring में, in which the product of non-zero elements is non-zero, is called an integral domain. यानी integral domain के लिए देखिए definition कैसे याद कीजिएगा। सबसे पहले एक क्या होना चाहिए? ring। ring होना चाहिए commutative with unity, समझिए। ये a ring, commutative ring with unity, उसमें आपका एक से ज़्यादा एलिमेंट होना चाहिए, और उसमें जो एलिमेंट है, जो नॉन जीरो एलिमेंट है, यदि उसका प्रोडक्ट लीजिएगा, गुना कीजिएगा, तो जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो। तब उस रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीग्रल डोमेन, समझ गए। उस रिंग को क्या बोलेंगे? इंटीग्रल डोमेन। यानी कि आपका एक रिंग है वो कम्यूटेटिव है, उसमें यूनिटी है, और उसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट है, और जो एलिमेंट नॉन जीरो है उसको यदि प्रोडक्ट करते हैं तो उसका प्रोडक्ट भी क्या होगा? नॉन जीरो। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन, समझ गए। इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल डोमेन। होप कि इंटीग्रल डोमेन का डेफिनेशन याद हो गया होगा। क्या क्या बोलिएगा? तो रिंग, कम्यूटेटिव, यूनिटी, और प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, बस हो गया इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। आइए इसमें से जो है एक और डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ जीरो। प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ जीरो, प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ हम लोग पढ़ते हैं जीरो। अच्छा याद कीजिए, तो हम लोग रिंग में क्या पढ़े थे? रिंग विथ जीरो डिवाइजर, उसमें क्या पढ़े थे? ना तो ए जीरो होगा ना बी जीरो होगा, लेकिन ए इंटू बी कितना हो जाएगा? जीरो। उसको हम लोग बोलते हैं जीरो डिवाइजर्स। और यदि ए बी इक्वल टू जीरो है, ये नहीं पढ़े थे हम लोग जी, ठीक, और वो रूल को फॉलो नहीं करता, तो हम लोग बोलते हैं विदाउट जीरो डिवाइजर। हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर जीरो डिवाइजर्स क्या होता है। आइए इस चीज़ को पढ़िए। इफ a इंटू बी इक्वल टू जीरो एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ब्रैकेट में लिख लीजिए ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर लेफ्ट डिवाइजर and b is said to be proper right divisor, taken together they are said to be proper divisors of zero। क्या होता है proper divisors of zero? कहता है कि यदि a into b equal to zero है, साथ ही साथ ना तो a zero है और ना ही b zero है, तब a को हम लोग बोलते हैं proper left divisor और b को हम लोग बोलते हैं proper right divisor, और दोनों को मिला दीजिएगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे? प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो। यही ना हम लोग पढ़े थे जी, डिवाइजर्स ऑफ रिंग में ही ना पढ़े थे कि ए डॉट बी जीरो है और ए भी जीरो नहीं है, बी भी जीरो नहीं है। ए को लेफ्ट प्रॉपर डिवाइजर, बी को राइट प्रॉपर डिवाइजर, और दोनों को मिला दीजिएगा आपका क्या हो जाएगा? प्रॉपर डिवाइजर ऑफ जीरो। इसको नोट कीजिए और इसके आधार पर, समझ गए, और इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं तो देखिए, On the other hand,
ए रिंग इज सेड टू बी विथ नो जीरो डिवाइजर इफ द प्रोडक्ट ऑफ नो टू नन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज जीरो दैट इज इफ ए बी इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो। दूसरे तरह से क्या बोल सकते हैं, ऑन द अदर हैंड ए रिंग इज सेट टू बी विथ नो जीरो डिवाइजर इफ द प्रोडक्ट ऑफ नो टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ आर इज जीरो। यानी कि आपका जो है दो एलिमेंट है, उस दोनों एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई करते हैं जीरो होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए इक्वल टू जीरो या बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है, या तो ए जीरो होगा या फिर आपका बी जीरो होगा। और इसके बेस पर हम लोग इंटीग्रल डोमेन को फिर से डिफाइन करते हैं। आप इसको लिख लीजिए और इसके बेस पर इंटीग्रल डोमेन का एक अलग डेफिनेशन बनाते हैं। कहाँ पे विथ नहीं, ठीक तो है, हाँ अब देखिए इसके बेस पर हम लोग एक दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं। हाँ, अनदर डेफिनेशन अल्टर नेटिव डेफिनेशन। इंटीग्रल डोमेन का अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी हैविंग मोर देन वन एलिमेंट विच हैज नो प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ जीरो इज कॉल्ड एंड इंटीग्रल डोमेन। क्या लिखे, ए कम्यूटेटिव विथ यूनिटी मोर देन वन एलिमेंट व्हिच हैज नो प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ जीरो। इसमें प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ जीरो आपका नहीं है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रल डोमेन। अब इसको एग्जांपल से समझिए, इस चीज को एग्जांपल से समझिए। हाँ, एक चीज यहाँ पे नोट लिख लीजिएगा, नोट, ये नोट आपको सवाल बनाने में बहुत मदद मिलेगा। फ्रॉम डेफिनेशन इट फॉलोज दैट इफ ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए बी इक्वल टू जीरो देन आइदर ए इक्वल टू जीरो
और b इक्वल टू जीरो, यानी कि ए बी आपका आर मतलब रिंग में है और ए बी आपका जीरो होता है, तब या तो ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। इसके बेस पे जो है ना हम लोग सवाल को बनाएंगे। अब एक क्या करते हैं, एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल, द रिंग ऑफ इंटीजर्स आई इज एन इंटीग्रल डोमेन विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। द रिंग ऑफ इंटीजर आई इज एन इंटीग्रल डोमेन विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इसको हम लोग समझते हैं। सोल्यूशन देखिए, आई बराबर आपका क्या हो जाएगा, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ये आपका सेट ऑफ इंटीजर है। तो सबसे पहले आप इसको क्या, इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, रिंग, इसके बाद कमोटेटिव लॉ किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, फिर यूनिटी एलिमेंट दिखाना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में। इसके बाद आप दिखाइए कि आपका जो है ना कोई भी दो गो आपका क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, तो उसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट नॉन जीरो ही मिलना चाहिए। चलिए इस चीज़ को दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या दिखाना, अबेलियन ग्रुप। कैसे दिखाइएगा बोलिएगा, तो सॉल्यूशन आप लिख दिए हैं। नंबर वन, क्लोजर लॉ दिखाइएगा। क्लोजर लॉ में ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, हाँ यानी कोई भी दो इंटीजर को जोड़ेगा तो इंटीजर हो जाएगा, क्लोजर लॉ हो गया। अब क्या दिखाएगा, एसोसिएटिव लॉ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, एसोसिएटिव लॉ हो गया। ठीक, इधर तो लिख लिए होंगे आप, इधर लिख लिए हैं, तो आइए और आगे बढ़ते हैं। नंबर थ्री क्या दिखाइएगा, आइडेंटिटी। ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए, जहां पर ए बिलोंग्स टू आई, जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। नंबर फोर, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, हाँ जहां पर माइनस ए क्या है, वेयर माइनस ए बिलोंग्स टू आई इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बिलोंग्स टू आई। अब क्या दिखाएगा, कमोटेटिव लॉ। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, यहां तक क्या हो गया बोलेगा, तो अबेलियन ग्रुप। ठीक, नंबर छह क्या दिखाइएगा, ए डॉट बी, ए इंटू बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल, जब कभी भी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इंटीजर ही मिलेगा। अब क्या दिखाइएगा, एसोसिएटिव लॉ। ए डॉट बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। अब क्या दिखाइएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई, आठ गो नियम हो गया। यहां से आप क्या दिखा दिए बोलिएगा, तो यहां से आप दिखा दिए, पता है आप सिर्फ आप दिखाइए रिंग दिखा दिए, हाँ यानी आठ गो नियम दिखाते हैं ना, रिंग दिखा दिए, समझ गए। अब आपको क्या दिखाना बोलिएगा, तो अब आपको कमोटेटिव लॉ दिखाना है, किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, तब उससे कमोटेटिव रिंग हो जाएगा। अब देखिए इसको आप हटाइए मिटाइए,
देखिए आपका जो है 9 नंबर ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई, इससे क्या दिखा दिए? कमोटेटिव लॉ, यानी कमोटेटिव रिंग हो गया। अब 10 नंबर क्या दिखाइएगा? ए इंटू वन बराबर वन इंटू ए बराबर ए। तो आप बताइए कि वन क्या हो गया आपका जो है ना, यूनिटी हो गया, यूनिटी। हाँ यूनिटी, वन इज यूनिटी एलिमेंट, वन इज आपका हो गया यूनिटी एलिमेंट। अब आप सुन लीजिए, यहां तक तो दिखा दिए। अब नंबर 11 क्या दिखाइएगा? 11 देखिए, ए लेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन ए इंटू बी बराबर जीरो होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा कभी भी, क्योंकि नंबर्स है ना, ए और बी दोनों क्या है? नंबर है, इंटीजर है ये। ए और बी आपका क्या है? यहाँ पर लिख लीजिएगा, ए बी दोनों क्या है? इंटीजर है। दो नंबर लीजिए, वो दोनों नंबर आपका जीरो के बराबर नहीं हो तो क्या मल्टीप्लाई करने पे जीरो होगा? नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। हो तो गया, यही नहीं दिखाना था इंटेग्रल डोमेन के लिए? इंटेग्रल डोमेन के लिए यही दिखाना था कि ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, तो ए इंटू बी जीरो नहीं होगा। लिखेगा देयरफोर आई आई प्लस डॉट इज एन इंटेग्रल डोमेन। ये भाई साहब आपका इंटेग्रल डोमेन हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिए, ए रिंग बट नॉट इंटेग्रल डोमेन, इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, दिखाते हैं। देखिए इसमें ले लीजिए, लेट ई बी द सेट ऑफ इवन इंटीजर, समझ गए? ई आपका कैसा सेट है? इवन इंटीजर का, यानी कि ई में बोलिएगा तो क्या होगा? ई में इक्वल टू जीरो प्लस माइनस टू प्लस माइनस फोर प्लस माइनस सिक्स हो गया, ठीक है। पहले दिखाइए तो रिंग है कि नहीं है। सबसे पहला बोलिएगा तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू कितना? ई, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, क्योंकि कभी भी दो इवन इंटीजर को जोड़ेगा तो इवन इंटीजर ही आएगा। क्लोजर लॉ हो गया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ई। एसोसिएटिव लॉ बोलिएगा तो ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए, जहां पर ए बिलोंग्स टू ई। आपका कौन सा आइडेंटिटी लॉ? नंबर 4, ए प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो, जहां पर जो है ए और माइनस ए बिलोंग्स टू इवन इंटीजर, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ई। यहां तक क्या हो गया बोलिएगा तो? अबेलियन ग्रुप, पांच गो नियम दिखा दिए। अब छठा नियम दिखाइए, छठा आप क्या दिखाइएगा बोलिएगा तो? ए डॉट बी बिलोंग्स टू E, for all A, B belongs to E, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में क्लोजर लॉ, मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी लॉ, A dot B dot C, for all A, B, C belongs to E, आठ हो गया, सात हो गया, आठ बोलिएगा तो? A dot B plus C बराबर A dot B प्लस ए डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ई। यहां से क्या हो गया आपका?
कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक। रिंग आपका दिखा दिए, कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है। कम्यूटेटिव रिंग के लिए बोलिएगा क्या दिखाइएगा, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू इवन इंटीजर। नंबर टेन बोलिएगा तो नंबर टेन आपका कितना हो गया, ए इंटू वन इक्वल टू वन इंटू ए इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ई बट वन डज नॉट बिलोंग्स टू ई। लेकिन एक तो इवन इंटीजर नहीं है तो आपका यूनिटी एलिमेंट नहीं हो पाया, 10 बल्कि 11 आपको रिंग के लिए क्या होना पड़ता बोलिएगा तो, ये ए इंटू ऐसे मान लीजिए लेट ए इज नॉट इक्वल टू जीरो बी इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू जीरो। देखिए यहां तक आपका क्या हो गया बोलिएगा तो यहां तक कम्यूटेटिव रिंग, तो आपका इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या होता कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी और ये वाला लॉ, बोले हाँ या नहीं, ये वाला लॉ तो सब तो फॉलो कर रहा है। यहां तक आपका कम्यूटेटिव रिंग हो गया, यहां तक आपका रिंग हो गया, रिंग तो है लेकिन आइडेंटिटी आपका जो है यूनिटी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इंटीग्रल डोमेन नहीं है। 11 नियम में से 10 नियम फॉलो किया, एक नियम फॉलो नहीं किया। लिखिएगा देयरफॉर ई प्लस डॉट इज ए रिंग बट नॉट एन इंटीग्रल डोमेन। ये रिंग तो है लेकिन इंटीग्रल डोमेन ये भाई साहब नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा है, इसको नोट में लिख लीजिए, आज ही आपका इंटीग्रल डोमेन खत्म। इफ ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, समझ गए, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू डी, डी का मतलब ए बी एक्स डी का मतलब इंटीग्रल डोमेन हो गया, देन ए बी इक्वल टू जीरो होगा इंप्लाइज ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, ठीक। यहां तक आपका बात जो है खत्म हो जाती है, इंटीग्रल डोमेन आपका खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे फील्ड, समझ गए, अगले क्लास में पढ़ेंगे हम लोग फील्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है क्या, द सेट एम ऑफ ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी रूट फाइव वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ रेस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, द रिंग पॉसेस यूनिटी एलिमेंट एंड इज एन इंटरवल डोमेन बट नॉट ए फील्ड। देखिए आपके पास जो एलिमेंट है ना, एलिमेंट का फॉर्मेट कैसा है, ए प्लस बी रूट फाइव। आपको क्या क्या दिखाना है, सबसे पहले रिंग दिखाना है और रिंग कैसा होना चाहिए, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, रिंग दिखाने को कितना नियम, आठ। कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है तो एक और नियम, आठ, एक नौ नियम। और उस रिंग को यूनिटी एलिमेंट दिखाना है तो नौ एक कितना, दस। ये दस एलिमेंट आपका हो गया रिंग के लिए। तब क्या कहता है कि उसको वो रिंग आपका इंटीग्रल डोमेन भी होगा। अब याद कीजिए तो इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या क्या होता है, सबसे पहला बोलिए रिंग, कम्यूटेटिव लॉ, यूनिटी। बोले हाँ यार सोनम जी, क्या क्या होता बोलिएगा, तो रिंग कम्यूटेटिव होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए, साथ ही साथ नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट नॉन जीरो हो। ये ना जी, नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। यदि आप ये दिखा देते हैं इससे आपका क्या बन जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, और आपको जो है ना दिखाना है कि ये भाई साहब फील्ड नहीं है। अच्छा, फील्ड के लिए बोलिएगा तो फील्ड क्या होता है, रिंग होता है, कम्यूटेटिव, इसके बाद यूनिटी होता है, और क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एगो आ जाता है एक्स्ट्रा में। बोले हाँ यानी, या ऐसे कहिए प्लस में अबेलियन ग्रुप इंटू में अबेलियन ग्रुप, पाँच पाँच कितना हो गया, दस, और एक हो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ग्यारह। तो मल्टीप्लीकेशन में अबेलियन ग्रुप में क्या क्या आएगा, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, कम्यूटेटिव, और एगो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यानी कि यहाँ पर क्या फॉल्स होगा बोलेगा तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स फॉल्स हो जाएगा। तो उसी से आपका क्या होगा, ये रिंग होगा, कम्यूटेटिव रिंग होगा, यूनिटी होगा। इंटीग्रल डोमेन दिखाने के लिए आपको एक्स्ट्रा में क्या दिखाना पड़ेगा, नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। और एक तो आपको फॉल्स इसमें हो जाएगा, क्या फॉल्स होगा, कि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यहाँ पर नहीं होगा, समझे, तब ये भाई साहब आपका फील्ड नहीं होगा। ठीक, तो आइए इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं और बनाते हैं सोल्यूशन। मान में लीजिए, एलिमेंट ले लीजिए, लेट यू बराबर ए प्लस बी रूट फाइव, बी बराबर बोलिएगा तो कितना, सी प्लस डी रूट फाइव, और W बराबर कितना, E प्लस F रूट फाइव। ठीक है, इसको आप ले लीजिए। ठीक, अब कैसे कैसे दिखाइएगा बोलिएगा तो, सबसे पहले क्लोजर लाओ, U प्लस B बराबर कितना जी, A प्लस C। अच्छा एक चीज ले लीजिए, M आपका किस फॉर्म का नंबर है, M आपका कैसा है, यहाँ पर एक आप ऐसे लिख लीजिए M के बारे में, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एम क्या है बोलिएगा तो, एम बराबर है ए प्लस बी रूट फाइव, जहां पर ए और बी दोनों क्या है, इंटीजर है। बोले हाँ यानी, ए और बी दोनों आपका क्या है, इंटीजर है। ठीक है, चलिए अब आप पहला ले लीजिए, यू प्लस बी, क्लोजर लॉ आप दिखा रहे हैं, बोलिए कितना होगा जी, ए प्लस सी, और कितना, B प्लस डी रूट फाइव। ये भाई साहब बिलोंग्स टू M, ठीक है, बिलोंग्स टू M। चलिए बहुत अच्छा, ये क्या हो गया, क्लोजर लॉ, किसमें, जोड़ में, जोड़ में क्लोजर लॉ हो गया। अब बोलिए अगला क्या दिखाइएगा, एसोसिएटिव लॉ, U प्लस बी प्लस W बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस सी, अब प्लस कितना जी, ए सी ई। बोले हाँ यानी, अब प्लस आपका बी प्लस डी प्लस एफ और रूट फाइव, अल्टीमेटली ये कितना हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस ई
और बी प्लस डी प्लस एफ रूट फाइव, ठीक है, और यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू कितना हो जाएगा, ये भाई साहब आपका ए प्लस बी रूट फाइव, और ये कितना हो जाएगा सी प्लस ई प्लस डी प्लस एफ रूट फाइव, और ये ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी प्लस एफ रूट फाइव, यानी कि ए प्लस सी प्लस ई और बी प्लस डी प्लस एफ रूट फाइव, यानी कि दैट इज यू प्लस डी प्लस डब्लू बराबर यू प्लस डी प्लस डब्लू। इससे आपका क्या हो गया एसोसिएटिव लॉ, समझे, पहला बोली तो क्या हो गया क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा क्या लिखिएगा आइडेंटिटी, तो आप क्या लिखिएगा नंबर थ्री, जीरो प्लस जीरो रूट फाइव बिलोंग्स टू कितना जी एम इज आइडेंटिटी, ये भाई साहब आइडेंटिटी है, हो गया आइडेंटिटी। इसके बाद बोलिएगा तो क्या दिखाइएगा इनवर्स गन, इनवर्स ऑफ ए प्लस बी रूट फाइव इज माइनस ए माइनस बी रूट फाइव। चलिए ये इनवर्स भी हो गया। इसके बाद बोलिएगा तो पांच नंबर क्या दिखाएगा कम्यूटेटिव लॉ, नहीं ना जी कम्यूटेटिव लॉ दिखाइए, यू प्लस वी बराबर कितना आपका हो जाएगा ए प्लस सी अब प्लस बी प्लस डी रूट फाइव एंड बी प्लस यू बराबर सी प्लस ए प्लस बी प्लस बी रूट फाइव। इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट फाइव, यानी कि दैट इज यू प्लस बी बराबर बी प्लस यू। प्लस में क्या हो गया बोलिएगा तो अबेलियन ग्रुप, अब देखिए प्लस में अबेलियन ग्रुप हो गया, ठीक। अब आपको छठा क्या दिखाना है क्लोजर लॉ, किस में इनटू में, इनटू में क्लोजर लॉ दिखाना है, बोलिएगा तो यू भी बराबर कितना जी ए प्लस बी रूट फाइव और सी प्लस बी रूट फाइव कितना हो जाएगा ए सी, इसको गुना कीजिए तो ए टी रूट फाइव, इसको गुना कीजिए प्लस बी सी रूट फाइव, और इसको गुना कीजिए फाइव बी डी बराबर ए सी प्लस फाइव बी डी अब प्लस ए टी प्लस बी सी रूट आपका फाइव, ठीक है, और इसी प्रकार से सिमिलरली समझ गए सिमिलरली ही डॉट यू भी यही हो जाएगा ए सी प्लस फाइव बी डी अब प्लस ए डी प्लस बी सी रूट फाइव, दैट इज आपका जो है ना यू इंटू वी बराबर वी इंटू यू हो गया, कम्यूटेटिव लॉ आपका हो गया, ठीक है। चलिए इसको आप जो है ना क्या कीजिए फटाफट कोट कीजिए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपका मतलब इसके पहले तक का कंप्लीट है, लिखते थे कि नहीं नोट लिखना ना चाहिए आपको, बाया हाथ ना करता बाया हाथ तो लिख सकते आप नोट्स कंप्लीट करते तो वीडियो तो देखे सारा का वीडियो डाल दिए, ये लास्ट वीडियो डालेंगे, अरे क्या करें लेकिन अस्तार बदल लिए, देखिए बदले हैं तार अस्तार चेंज कर लिए, उसमें आवाज नहीं है लेकिन लिखे तो सब ना है लिखे है, उसमें तारे गड़बड़ा गया तो क्या करें, आज देखिए तार चेंज कर दिया, गरीब आदमी पैसा नहीं था किसी से आज उधारी मांग के लाया, क्या करें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तो हम लोगों को नहीं दिखाना था, हम लोग कौन सा लॉ दिखा रहे थे अभी क्लोजर लॉ, ये दोनों लाइन काट दीजिएगा, तो ये दोनों लाइन आप क्या कीजिएगा
काट दीजिएगा, ये आपको नहीं दिखाना था, ये क्लोजर लॉ हम लोग दिखा रहे थे, हमको लगा थे कम्यूटेटिव लॉ दिखा रहे हैं। इतना विलोम सूत्र क्या लिखिएगा एम, इससे कौन सा लॉ हो गया क्लोजर लॉ, ठीक है। अब आपको कौन सा लॉ दिखाना है, अब आपको एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, इसको सुधार लीजिएगा, क्लोजर लॉ दिखा दिया हम लोग, अब आपको दिखाना है एसोसिएटिव लॉ, वो अपने से आपको दिखा देगा। नंबर कौन सा जी, सेवन है या नहीं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली यू डॉट वी डॉट डब्लू बराबर यू डॉट वी डॉट डब्लू, ठीक है, नहीं ये दिखाएंगे नहीं, आप लोग दिखाना होगा तो दिखा लीजिएगा, ये कौन सा लॉ हो गया बोलेगा तो एसोसिएटिव लॉ। अब क्या दिखाइएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो आप दिखाइएगा वन प्लस जीरो रूट फाइव बिलोंग्स टू एम इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ गए। अब बोलिएगा तो नो नंबर क्या दिखाइएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ 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 देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाइएगा, हाँ यार तब रिंग बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा दीजिए, तो U इंटू वी प्लस डब्लू बराबर कितना हो जाएगा यू वी प्लस यू डब्लू, कौन सा लॉ हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यहाँ से कौन सा नियम हो गया, यहाँ से जो है ना, तब आप ऐसा कीजिए इसको हटाइए, इस नियम को बाद में लिखिएगा, समझ गए, साथ हुआ ना, देखो तरीके से आगे बढ़ेगा तो दिक्कत नहीं होगा, साथ हुआ, इसको लिखे आठ, तरीके से आगे बढ़िए, इसको क्या लिखे आठ लिखिए, अब देखिए यहाँ से रिंग बन चुका है, ठीक है, एकदम नियम से आगे बढ़ेगा दिक्कत नहीं होगा, यहाँ से क्या बन चुका है रिंग, रिंग हुआ, अब आप इसको क्या दिखाए कम्यूटेटिव रिंग दिखा दीजिए, देखिए रिंग आपका हुआ ना जी, रिंग हुआ, अब क्या दिखाइएगा कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग के लिए बोलिएगा तो नौ नंबर में आपको कम्यूटेटिव लॉ दिखाना पड़ेगा, कम्यूटेटिव लॉ यू डॉट वी बराबर वी डॉट यू, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, अब अभी तक ये कम्यूटेटिव रिंग बन चुका है, कम्यूटेटिव रिंग बन चुका है, आपको कम्यूटेटिव रिंग को क्या दिखाना है यूनिटी, अब आप यूनिटी पकड़िए, वन प्लस जीरो रूट फाइव belongs to M is multiplicative identity is unity लिख बना दिए, unity हो गया, ठीक है, ये unity हो गया, ठीक है, ये भाई सब आपका हो गया unity, ठीक है, आप ये जो है आपका क्या हो गया बोलिएगा तो unity, यही होगा unity, इसमें कोई दिक्कत, इसमें identity हम लोगों को देखिए यहाँ तक आप क्या दिखाए कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव और यूनिटी आपको दिखाना था, तो यूनिटी आप ऐसे दिखाइएगा, देखिए यही होता है वन डॉट यू बराबर यू डॉट वन बराबर कितना वन, जहां पर वन बराबर वन प्लस कितना जीरो रूट फाइव इज यूनिटी, यूनिटी हो गया, समझ गए, यहां तक आपका क्या हो गया रिंग यूथ क्या हो गया यूनिटी, रिंग विथ क्या हो गया कम्यूटेटिव रिंग विथ क्या हो गया यूनिटी हो गया, ठीक। अब देखिए अब आपको इसको क्या दिखाना था इंटीग्रल डोमेन, आपको क्या दिखाना है इंटीग्रल डोमेन, याद कीजिए इंटीग्रल डोमेन में आपको क्या क्या दिखाना होता है, नॉन जीरो एलिमेंट, देखिए यहां तक तो दिखाते ही है, देखो और एक्स्ट्रा दिखाते हैं, नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए नॉन जीरो, तो सही बात है, नंबर्स में किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा और यदि वो नंबर आपका जीरो के बराबर नहीं होगा कोई भी, तो रिजल्ट जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये किस केस में हो सकता है मैट्रिक्स के केस में हो जाता है, लेकिन आपका नंबर्स के केस में नहीं होता है, तो यहां तक आपका हो गया। अब देखिए अब आपका 11 नंबर बोलिएगा तो क्या हो जाएगा 11 नंबर, आपका लेट यू इज नॉट इक्वल टू जीरो वी इज नॉट इक्वल टू जीरो,
देन यू भी कभी भी जीरो होगा डी नहीं होगा। यहां से आपका क्या हो गया इंटीग्रल डोमेन। लिखिएगा देयरफोर एम प्लस डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विथ UNIDY and also it is an integral domain। और ये भाई साहब जो है ना आपका बोलिएगा तो क्या है integral domain। ठीक integral domain। अब देखिए आपको जो है ना दिखाना कि ये फील्ड नहीं है। फील्ड में कौन कौन नियम बोलिएगा तो पांच को अबेलियन ग्रुप प्लस के लिए पांच को नियम हो गया, गुना के लिए अभिलेख ग्रुप कौ को दस हो, डिस्ट्रीब्यूटिव 11 और एगो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स उसी में हो गया हाँ। तो अब देखिए तो इसमें आपका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स देखिए तो फॉलो कर रहा है क्या मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। देखिए यू बराबर क्या है अब 12 नंबर देखिएगा। यू बराबर जो है आपका क्या बोलेगा तो ए प्लस बी रूट फाइव। लिखिएगा वन बाय यू बराबर कितना हो जाएगा वन बाय ए प्लस बी रूट फाइव। ऊपर नीचे गुना कर दीजिए ए माइनस बी रूट फाइव बटे में ए माइनस बी रूट फाइव कितना हो जाएगा ए माइनस बी रूट फाइव बटे ए स्क्वायर माइनस फाइव बी स्क्वायर। अलग अलग कर दीजिए ए बाय ए स्क्वायर माइनस फाइव बी स्क्वायर अब प्लस माइनस बी बाय ए स्क्वायर माइनस फाइव बी स्क्वायर रूट फाइव। एक बात बोलिए कि क्या ये एम में बिलोंग्स करता है कि नहीं करता है एम में नहीं करेगा बोलिए क्यों क्योंकि तो कहता है कि ए और बी क्या होना चाहिए इंटीजर होना चाहिए बोलिए हाँ या नहीं ये इंटीजर है क्या नहीं है ये इंटीजर नहीं है ए क्यों क्योंकि ए बाय ए स्क्वायर माइनस फाइव बी स्क्वायर does not belongs to I क्योंकि integer नहीं है तो multiplicative inverse नहीं हो पाया। लिखेगा so multiplicative inverse does not exist ये exist नहीं करेगा therefore m plus dot is not a field ये field नहीं है समझ गए ये भाई साहब जो है आपका फील्ड नहीं। चलिए इसको आप नोट कीजिए तो चलिए बहुत अच्छा है इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा यदि सपोज कि ए और बी के जगह पे जैसे यहाँ पे लिखा है ना ए और बी इंटीजर है अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा यदि मान लीजिए करेक्ट कर देगा इंटीजर के जगह पे लिख देगा रैशनल नंबर है तब होगा कि नहीं होगा तब हो जाएगा समझ गए। यदि आपका क्या लिख दे रैशनल नंबर है तब बोले होगा कि नहीं होगा तब हो जाएगा समझे बात जरा सा चेंज करेगा ना तब ये आपका हो जाएगा इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा हट जाते हैं आपकी यही इच्छा है। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन ये जो है ना गिव एन एग्जांपल ऑफ रिंग व्हिच इज नॉट ए फील्ड। आपको रिंग का एक एग्जांपल देना है एक ऐसा एग्जांपल लेना है जो रिंग तो होगा लेकिन वो भाई साहब फील्ड नहीं होगा समझे। अपने मन से कोई हल्का सा एग्जांपल उठा लीजिए सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है रिंग होता है ना लेकिन सेट ऑफ इंटीजर फील्ड नहीं होगा बोलिए क्यों क्योंकि वन का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन होगा
और टू का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वन बाय टू, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कितना हो जाएगा वन बाय टू, लेकिन क्या वन बाय टू इंटीजर है? नहीं है। तो हालांकि अभी जो हम लोग एक एग्जाम्पल पढ़े थे ये तो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, वो रिंग है लेकिन फील्ड नहीं है, और हल्का एग्जाम्पल के लिए आइए पढ़ते हैं हल्का एग्जाम्पल, ठीक है? एकदम हल्का एग्जाम्पल लेके बढ़िए, क्या लेके बढ़िएगा? सोल्यूशन, लेट आई बराबर सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि आई बराबर कितना, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री डॉट डॉट डॉट, ठीक है? बाइनरी ऑपरेशन आपने क्या है, लेट प्लस यानी कि एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन बी टू बाइनरी ऑपरेशन। मान लीजिए कि ये दो बाइनरी ऑपरेशन है। अब सबसे पहले रिंग दिखाइए, बोलिएगा तो ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई, कौन सा लॉ? जहां पर ए और बी भाई साहब आई है, कम्यूटेटिव लॉ। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू आई, एसोसिएटिव लॉ। और ए प्लस जीरो बराबर जीरो प्लस ए बराबर ए, ए बिलोंग्स टू आई, आइडेंटिटी लॉ। ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर जीरो, जहां पर ए माइनस ए बिलोंग्स टू आई, इनवर्स लॉ। नंबर फाइव, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू आई, कम्यूटेटिव लॉ। अबेलियन ग्रुप हो गया, देखिए आप बोलिएगा तो क्या लीजिएगा, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आई, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू कितना आई, कौन सा नियम? क्लोजर लॉ किस में, मल्टीप्लीकेशन में। और फिर देखिए सात नंबर, ए डॉट बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी डॉट सी, जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू आई, एसोसिएटिव लॉ। अब कौन सा नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू आई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या हो गया, रिंग हो गया ना, यहां तक रिंग बन गया। लिखेगा देयरफॉर आई प्लस डॉट इज ए रिंग। अच्छा अब देखिए तो रिंग हो गया, आपको अभी क्या दिखा रहा है कि ये फील्ड नहीं है, ठीक है? फील्ड नहीं है तो देखिए कोई भी एक नियम फॉल्स हो जाएगा तो फील्ड आपका नहीं होगा। फिर भी एक एक करके दिखा दीजिए। आठवां ना, नौ नंबर, देखिए गुना में क्या क्या दिखाए, क्लोजर दिखा दिए, एसोसिएटिव दिखा दिए, आइडेंटिटी ले लीजिए, पहले आइडेंटिटी ले लीजिए। ए डॉट वन बराबर वन डॉट ए बराबर ए, ए बिलोंग्स टू आई, ठीक है, आइडेंटिटी दिखा दिए। दस नंबर, आइडेंटिटी हो गया, कम्यूटेटिव भी दिखा दीजिए, ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ए बी बिलोंग्स टू आई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए दस ग्यारह नंबर क्या दिखाइए, इनवर्स, देखिए पांच को आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव इधर हो गया है, अब गुना क्या वेरिएंस में पांच हो, क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, इनवर्स हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, और कौन सी, इनवर्स, इनवर्स अभी नहीं हुआ है। फील्ड के लिए को डिस्ट्रीब्यूटिव तो आप ले लिया ना, एक ही ना बचल है, कौन सी बचल है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बचल है। तो लिखिए ए डॉट वन बाय ए बराबर वन बाय ए डॉट ए बराबर कितना, वन, बट वन बाय ए, बट इफ ए बिलोंग्स टू आई, देन
वन बाय ए डज नॉट बिलोंग टू आई, कैसे टू बिलोंग्स टू आई बट वन बाय टू डज नॉट बिलोंग्स टू आई, तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं किया, समझ गया। लिखेगा देयर फोर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, देयर फोर आई प्लस डॉट इज नॉट ए फील्ड, ये भाई साहब आपका फील्ड नहीं। चलिए इसको आप नोट कीजिए, देखिए क्या अगला क्वेश्चन कहता है कि फॉर्मेट आपका ए प्लस आई बी है, यानी कि कैसा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ए बी बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब इंटीजर होता है। बोलता है दिखाइए कि ये भाई साहब इंटीग्रल डोमेन है, लेकिन ये भाई साहब फील्ड नहीं है। अच्छा आप बताइए इंटीग्रल डोमेन के लिए आप क्या क्या दिखाइएगा, इंटीग्रल डोमेन के लिए बोलिएगा। तो देखिए इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, रिंग, समझिए कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी और नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, इससे इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, समझिए ये न होगा जी। आइए पहले आप इसको इंटीग्रल डोमेन दिखाइए, ठीक है, पहले आप इसको क्या कीजिए इंटीग्रल डोमेन दिखाइए, सोल्यूशन, सोल्यूशन लेट लेट आप एस बराबर ले लीजिए कितना, ए प्लस आई बी जहां पर ए बी बिलोंग्स टू जेड। देखिए जी और जो है आप सबसे पहला क्या ले लीजिए, क्लोजर लॉ पहले मान लीजिए, कैसे मानिएगा, लेट अल्फा बराबर ए वन प्लस आई बी वन, बीटा बराबर ए टू प्लस आई बी टू और गामा बराबर ए थ्री प्लस आई बी थ्री, ठीक है। अब आ जाइए पहला, अल्फा प्लस बीटा बराबर, बोलिएगा तो ए वन प्लस ए टू प्लस आई बी वन प्लस बी टू बिलोंग्स टू कितना, जेड, क्लोजर लॉ। दूसरा अल्फा प्लस बीटा, देखिए आप अपने से भी दिखा लीजिएगा, बोलिए हाँ या नहीं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ। अगला बोलिएगा तो आइडेंटिटी लॉ, जीरो प्लस आई जीरो बराबर जीरो बिलोंग्स टू कितना, जेड, इज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नंबर फोर, इनवर्स ऑफ, इनवर्स ऑफ ए प्लस आई बी इज कितना, माइनस ए माइनस आई बी, कम्यूटेटिव लॉ, अल्फा बीटा बराबर बीटा अल्फा, कम्यूटेटिव लॉ हो जाएगा। अब बोलिएगा तो अब आपको क्या दिखाना है, क्लोजर लॉ, अल्फा इंटू बीटा बराबर, बोलिए क्या हो जाएगा जी, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे प्लस ले लीजिएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बिलोंग्स टू कितना, एस, बिलोंग्स टू एस, यहाँ पे जेड मत लिखिएगा, एस लिखिएगा, क्योंकि आपने सेट क्या लिया है, एस लिया, आपने सेट एस लिया है, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना, बोलिएगा तो एसोसिएटिव लॉ, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर अल्फा बीटा गामा, सात को नियम हो गया, सात नियम हुआ ना जी, और क्या दिखाइएगा, बोलिए
रिंग विथ कम्यूटेटिव आइडेंटिटी। रिंग के लिए और कौन सी बच गया? डिस्ट्रीब्यूटिव ला बच गया है। डिस्ट्रीब्यूटिव ला दिखाइए आपका अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा। यहां से क्या हो गया? रिंग, रिंग हो गया। आपको कम्यूटेटिव रिंग दिखाना है तो क्या दिखाइएगा? नॉन नंबर बोलिएगा तो अल्फा बीटा बराबर बीटा अल्फा कम्यूटेटिव लॉ हो गया। आइडेंटिटी दिखाना है, आइडेंटिटी कैसे दिखाइएगा? वन बराबर वन प्लस जीरो आई बिलोंग्स टू कितना? एस इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, या ऐसे कह सकते हैं वन डॉट अल्फा बराबर अल्फा डॉट वन बराबर अल्फा। तो वन बराबर वन प्लस जीरो आई इज यूनिटी। बोलिए हाई एन यूनिटी आइडेंटिटी जो बोल लीजिए। सुनिए यहां तक आपका क्या हुआ? रिंग, कम्यूटेटिव रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ठीक है। इंटीग्रल डोमेन के लिए एक और बच्चा है कौन सी? जीरो, नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है। आप ले लीजिए कौन सा, ये पहले 10 नंबर होगा नहीं 11 नंबर, नॉन जीरो एलिमेंट यानी कि लेटिए, लेट अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन किसी भी हालत में अल्फा बीटा जीरो के बराबर नहीं होगा, नॉन जीरो डिवाइजर हो गया। अब बोलिएगा तो यहां से क्या हो गया? ये इंटीग्रल डोमेन हो गया। लिखेगा देयरफॉर एस प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन, यहां से इंटीग्रल डोमेन हो गया। अब फील्ड में बोलिए कौन सी आप दिखाइएगा? इनवर्स एक्सिस नहीं करना चाहिए, इनवर्स ले लीजिए। देखिए अल्फा बराबर वन बाय अल्फा कितना हो जाएगा बोलिएगा तो? वन बाय अल्फा बराबर कितना जी? वन बाय ए प्लस, ए प्लस नहीं बल्कि ए वन प्लस आई बी वन, ठीक है। तो इसको गुना कर दीजिए, ए वन, ए वन माइनस आई बी वन बटे ए वन माइनस आई बी वन कितना हो जाएगा बोलिएगा तो? ए वन माइनस आई बी वन और नीचे आपका ए वन स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा बी वन स्क्वायर, यानी ए वन बाय इतना, ठीक है, अब प्लस माइनस बी बाय ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर इन टू आई। देखिए बट क्या ये इंटीजर है? बोलता है ना कि ये तो ए और बी क्या होना चाहिए? इंटीजर। लेकिन ये इंटीजर नहीं ना, ये क्या है? रैशनल नंबर है। बट इतना बिलोंग्स टू, इतना डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एज लिखेगा एज, क्यों? क्योंकि ए वन बाय ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर डज नॉट बिलोंग्स टू जे, सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स does not exist. लिखेगा therefore s plus dot is not a field. ये भाई साहब आपका field नहीं। चलिए इसको आप नोट,
के गो नियम बताया तो छह हो गया। अब सातवां नियम देखिए, सात नियम, सातवां नियम क्या बोलिएगा तो एसोसिएटिव। तो एक बात बताइए, मैट्रिक्स का गुना एसोसिएटिव तो होवे करता है या नहीं? मैट्रिक्स के गुना कमुटेटिव जनरली नहीं होता, लेकिन एसोसिएटिव होता है। ए बी सी बराबर ए बी सी, एस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। सात हो गया। अच्छा आठ में क्या दिखाइएगा? पहले अभी आपको रिंग दिखाना है, तब फिर कुछ दिखाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाइएगा ना जी, यही ना, तब आपका रिंग ना हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखाइएगा तो ए डॉट बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? ए डॉट बी ए डॉट सी इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, इज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ना जी, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। सुनिए यहां तक आपका क्या होगा बोलिएगा तो? रिंग हो गया। बोलिए हाँ या नहीं? नहीं हुआ रिंग जी? अरे बोलिए हाँ या नहीं? यहां तक रिंग हुआ। अब आपको क्या दिखाना है? यहाँ पर आठ गुनियम हो गया, दस गुनियम दिखाना है आपको। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी दिखाना है, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। बोलिए हाँ या नहीं? अब देखिएगा, आई बराबर वन प्लस आई जीरो माइनस जीरो प्लस आई जीरो, जीरो प्लस आई जीरो और वन माइनस आई जीरो बराबर कितना? वन जीरो जीरो वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी, इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अच्छा ये कौन को नियम दिखा दिए? नौ को नियम दिखा दिए। अब आपको क्या दिखाना है? जो भी नॉन जीरो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, एनर्जी जो भी नॉन जीरो है उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। नाउ वी हैव टू शो दैट एवरी नॉन जीरो लिखेगा, नाउ वी हैव टू शो दैट, याद रखिएगा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स किसका निकलेगा? नॉन जीरो एलिमेंट का। हाँ, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट has multiplicative inverse, ठीक है। अब देखिए यहां से जो है ना, सुनिए लेटिए, a बराबर कितना बोलिएगा तो? a प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी और सी प्लस आई डी और a माइनस आई बी, ठीक। आपका इनवर्स होने के लिए क्या होना पड़ेगा? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बोले ए का इनवर्स क्या होता है जी? वन बाय डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए। पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लीजिए आप, कितना? ए प्लस आई बी माइनस सी प्लस आई डी, सी प्लस आई डी ए माइनस आई बी, कोना कोनी गुना कर लीजिए। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर और यहां पर कितना? यहां जो है ना, देखिए पहले इसको ए मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस कितना? बी स्क्वायर, ए ना होगा जी? ए प्लस बी ए माइनस बी, यही ना जी? आपका देखेगा तो ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस वन, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस बी माइनस प्लस सी स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस वन प्लस डी स्क्वायर, ये भाई साहब जो है आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या लिखा? नन
नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट लिया है यही होगा। आप बोलिएगा तो आपको क्या निकला एडजॉइंट, आप बताइएगा। देखिए यदि a बराबर ए बी सी डी रहे 2x2 का मैट्रिक्स तो एडजॉइंट ए क्या होता है, याद है इसका क्या होता है जी, चेंज, यानी कि डी ए और इधर साइन चेंज, यही ना होता है, नहीं होता है, इधर आपका इंटरचेंज और इधर आपका क्या होता है साइन चेंज, 2x2 का, 3x3 का तो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप जो है ना एडजॉइंट ए निकाल लीजिए, देखिए ये इंटरचेंज हो जाएगा ए माइनस आई बी और यहाँ पर कितना जी ए प्लस आई बी और इधर साइन चेंज माइनस सी माइनस आई डी और सी माइनस कितना आई डी, ये आपका क्या निकल गया एडजॉइंट निकल गया। देयरफोर ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए 1 बाय डिटरमिनेंट ए बोलिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये भाई साहब ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी माइनस सी माइनस आई डी और ए प्लस आई बी ये बिलोंग्स टू कितना हो गया एम, ये बिलोंग्स टू एम हो गया, समझ गए ही नहीं होगा जी। अरे भैया ये सब तो नंबर्स है ना जी, ये सब नंबर्स है ना, तो फॉर्मेट वही नहीं मिला क्या बोले। अरे भैया ये जो सी है ये सी नंबर है कि नहीं है, सी नंबर है ना, सी कैसा नंबर है रियल नंबर, तो क्या वो प्लस और माइनस दोनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, वही ना हो सकता है। तब इसको तेजी से लिखे, यहां से आपका क्या हो गया, यहां से बोलिएगा तो इस जगह से आपका जो है इनवर्स एग्जिस्ट किया, यहां से आपका क्या पता चल गया, तेजी से लिखे यहां से आपका रिंग नहीं है स्क्यू फील्ड हो गया पता, यानी कि डिवीजन रिंग यहां से पता चल गया। क्या लिखेगा बोलिएगा तो लिखेगा देयरफोर एम प्लस डॉट इज ए एसक्यू फील्ड या डिफ्यूजन रिंग हो गया, ठीक। आपको क्या नहीं दिखाना है, फील्ड नहीं है तो कौ को नियम दिखा दिए, 10 को दिखा दिए, कौन सी बचल है गुना में कम्यूटेटिव लॉ, वही ना जी। तो उसको देखिए, जब नहीं दिखाना है तो एग्जांपल से दिखाइए, नहीं दिखाना है तो एग्जांपल से दिखा दीजिए। अब जो है ना 11 नंबर नियम लेटिए, लेट ए बराबर कुछ भी मान लीजिए अपने मन से, समझ गए, कुछ भी मान लीजिए 3 + 4i माइनस 5 + 6i 5 + 6i फॉर्मेट वही रखिएगा 3 - कितना 4i, ठीक है। एंड बी बराबर आप ले लीजिए 1 + 0i माइनस 1 + 0i 1 + 0i और 1 - 0i, ठीक। अब आप क्या कीजिए ए और बी को गुना कीजिए, समझ गए, ए और बी को आप क्या कीजिए गुना कीजिए, अल्टीमेटली बी बराबर क्या हो गया 1 - 1 1 और 1, यही हुआ जी। आप ए और बी को मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं दिखाना है तो एग्जांपल ज़्यादा अच्छा होता है, दिखाना है तो थ्योरी से दिखाइए। बोलिएगा कितना 3 + 4i माइनस 6 + 6i 5 + 6i 3 - 4i और इधर हो गया 1 - 1 1 1, कर दीजिए गुना, इसको एक से गुना कीजिएगा 3 + 4i माइनस से माइनस 5 - 6i 1 से -5 + 6i माइनस से -3 + 4i 1 से 3 + 4i इससे 5 + 6i इससे
माइनस फाइव प्लस सिक्स आई, इससे थ्री माइनस फोर आई हो गया, ठीक है। और अब देखिएगा तो ए बी आपका किसके बराबर हो गया, ए बी देखिए जी कितना, माइनस माइनस टू और माइनस टू आई, माइनस एट प्लस टेन आई, एट प्लस टेन आई, माइनस टू प्लस टू आई हो गया, ए बी हो गया। आप क्या कीजिए, बी ए निकाल लीजिए, आप निकाल लीजिए बी ए, पहले बी बोलिएगा तो वन माइनस वन वन वन, और ए आपका हो गया थ्री प्लस फोर आई, माइनस फाइव प्लस सिक्स आई, फाइव प्लस सिक्स आई और थ्री माइनस फोर आई, कर दीजिए गुना, एक से गुना कीजिएगा, थ्री प्लस फोर आई माइनस फाइव प्लस सिक्स आई, माइनस थ्री माइनस फोर आई माइनस फाइव प्लस सिक्स आई, फाइव प्लस सिक्स आई, थ्री माइनस फोर आई, माइनस फाइव माइनस सिक्स आई प्लस थ्री माइनस फोर आई, यानी कि माइनस टू प्लस टेन आई, माइनस एट प्लस टू आई, एट प्लस टू आई, माइनस टू माइनस टेन आई। आप बताइए कि दोनों बराबर हुआ क्या, नहीं हुआ ना बराबर, दोनों बराबर नहीं हुआ, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, देयरफोर कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लीकेशन डज नॉट होल्ड, देयरफोर कम्यूटेटिव लॉ इन मल्टीप्लीकेशन डज नॉट होल्ड, देयरफोर एम प्लस डॉट इज नॉट ए फील्ड। ये एक्सक्लूसिव फील्ड है, यानी डिवीजन रिंग है, लेकिन ये भाई साहब जो है आपका फील्ड नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, और दो दिन मैक्सिमम, इसके बाद ये आपका खत्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन बट द कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू, यानी कि जितना भी फील्ड होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है। आप बताइए कि फील्ड में के गो नियम लगेगा, फील्ड में 10 नहीं 11 ना, फील्ड में कितना नियम लगेगा, 11 नियम, कौन कौन सा बोलिए तो, प्लस में अबेलियन और इंटू में अबेलियन 10, और एक तो और कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव, 11 नियम हो गया, बोलिए हाँ या नहीं। और इंटीग्रल डोमेन में के गो नियम, प्लस में अबेलियन 5 और आपका हो गया क्या चीज, कम्यूटेटिव 6, आइडेंटिटी 7, क्लोजर 8, एसोसिएटिव 9, और एक नियम बताइए, और एक नियम नॉन जीरो डिवाइजर है ना, 10 हो गया। तो कहता है क्या कि जो भी फील्ड होगा वो इंटीग्रल डोमेन होगा, लेकिन इसका कन्वर्स सही नहीं है, ठीक। इसको दिखाते हैं हम, देखिए ये क्या है, फील्ड आपका है तो हम लोगों को दिखाना है कि इंटीग्रल डोमेन। अब देखिए फील्ड है, इसका मतलब क्या क्या हो गया बोलिएगा तो, सॉल्यूशन लिखेंगे, लेट एफ बी ए फील्ड, एफ आपका फील्ड है, इसका मतलब एफ में क्या क्या है बोलिएगा तो, देन एफ इज बोलिए सबसे पहले क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग V
विद यूनिटी, बोलिए हाँ या नहीं। यदि आपका फील्ड है तो वो फील्ड आपका कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी होगा कि नहीं, कि वो नियम हो गया, बोलिएगा। तो कम्यूटेटिव रिंग का मतलब कितना नियम, 8 और 1 9, 9 नियम और यूनिटी का मतलब कितना, 10 नियम हो गया। अब आप बताइए कि इंटीग्रल डोमेन के लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा, नॉन जीरो डिवाइजर दिखाना है, बोले हाँ या नहीं। टू शो दैट एफ इज एन इंटीग्रल डोमेन वी हैव टू ओनली शो दैट, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाना है बोलिएगा, तो फील्ड हैज नो जीरो डिवाइजर, यानी कि आपको नो जीरो डिवाइजर दिखाना है। अच्छा, जीरो डिवाइजर्स का मतलब बोलिएगा तो क्या होता है, जीरो डिवाइजर्स का मतलब ए आपका जीरो के बराबर नहीं है, बी जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन ए भी किसके बराबर हो जाएगा, यही होता है जी। ठीक, आपका ए जीरो के बराबर नहीं है, बी जीरो के बराबर है, लेकिन ए भी किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर। ये किस में पॉसिबल होता है, नंबर्स में पॉसिबल है, नहीं है, सिर्फ किस में पॉसिबल है, मैट्रिक्स में पॉसिबल है। तो हम लोगों को दिखाना है कि इट हैज नो जीरो डिवाइजर। ठीक, इसके लिए क्या दिखाइएगा, लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट, इस प्रकार से कि ए बी आपका किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ए और बी आपका एफ का एलिमेंट है, ए जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है आपका, जीरो है। वी शैल शो दैट बी इक्वल टू जीरो, देखिए ए जीरो नहीं है और यदि बी भी जीरो नहीं होगा तो जीरो डिवाइजर हो जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं। लेकिन यदि ए जीरो नहीं है और आप दिखा दीजिएगा बी जीरो है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, नो जीरो डिवाइजर, बोले हाँ या नहीं। देखिए एक बार फिर से समझिए, ए जीरो के बराबर नहीं है, बी जीरो के बराबर नहीं है और ए भी जीरो हो जाए, इसको क्या बोलते हैं, जीरो डिवाइजर। और यदि ए आपका जीरो के बराबर नहीं है, बी जीरो के बराबर है, ए बी बराबर जीरो, इसको क्या बोलते हैं, नो जीरो डिवाइजर, समझ, इसको हम लोग बोलते हैं नो जीरो डिवाइजर। तो हम लोगों को क्या दिखाना, नो जीरो डिवाइजर, यानी कि ए जीरो के बराबर नहीं है और ए बी आपका जीरो के बराबर है, आपको क्या दिखाना पड़ेगा, बी किसके बराबर है, जीरो के बराबर। आइए इसी चीज को हम लोग दिखाते हैं, तब ये जो है ना फील्ड आपका क्या हो जाएगा, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, सिंस ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, बोलिएगा तो क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि फील्ड है और आप पढ़े हैं कि फील्ड में जो है ना जो भी एलिमेंट जीरो के बराबर नहीं है उसका इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, बोले हाँ या नहीं, उसके इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। इसीलिए ए जीरो के बराबर नहीं है तो इसका इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, फील्ड का प्रॉपर्टीज है। अब नाउ नाउ ए बी इक्वल टू जीरो, दोनों तरफ आप ले लीजिए, ए इनवर्स ए बी बराबर ए इनवर्स कितना, जीरो। इसमें आप कौन सा लॉ लगा दीजिए, एसोसिएटिव लॉ, ए इनवर्स ए बी ये तो जीरो हो गया, ए इनवर्स ए किसके बराबर हो जाएगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी आपका जो है मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, वन, यानी कि वन बी बराबर जीरो, यानी कि बी बराबर कितना हो गया, जीरो। आपका काम तो हो गया, समझिए ये आपका काम हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपका जो है ना ये भाई साहब इंटीग्रल डोमेन हो गया, बोले हाँ या नहीं। इसका मतलब क्या लिखेगा, दैट इज नो जीरो डिवाइजर, सो एफ प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन, ई भाई साहब जो है ना आपका हो गया इंटीग्रल डोमेन। अब देखिए,
हम लोगों को उल्टा दिखाना है। उल्टा क्या दिखाना है कि जो भी आपका इंटीग्रल डोमेन है वो भाई साहब आपका फील्ड नहीं होगा। देखिए सीधा दिखाने के लिए थ्योरी से दिखाते हैं और उल्टा दिखाने के लिए एग्जांपल। ठीक, अब लिखिएगा कन्वर्सली कन्वर्सली वी हैव टू शो दैट कन्वर्सली या लिखे लेट आई प्लस डॉट इज एन इंटीग्रल डोमेन। मान लेते हैं कि इंटीग्रल डोमेन है वेयर आई इज द सेट ऑफ इंटीजर, जहां पर आई जो है ना सेट ऑफ इंटीजर है। अब आपको जो है ना क्या दिखाना है कि ये इंटीग्रल डोमेन आपका क्या नहीं है, फील्ड नहीं है। आप बताइएगा तो कैसे आप दिखाइएगा फील्ड नहीं है, जब ये इंटीजर है तो इंटीजर क्या क्या हो सकता है बोलिए। इंटीजर है तो आपका प्लस में देखिए, हाँ उंगली पे गिन के कीजिएगा तब समझ में आएगा। प्लस में क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, कमोटेटिव लॉ। इंटीजर में पांचों होता है, गुना में आ जाइए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, 5 × 3 = 8 आइडेंटिटी हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, कितना हो गया 9। ठीक 9। अब आइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे, ये भी हो जाएगा, क्या कहते हैं आपका कमुटेटिव हो जाएगा गुना में 10। अब आ जाइए इनवर्स पे, आप बताइए कि 2 का इनवर्स कितना होगा 1/2। लेकिन 1/2 इंटीजर है नहीं है, यही चीज आपको दिखा देना है, समझिए यही चीज आपको क्या करना है दिखा देना है। इस चीज को आप दिखाइए, देख उंगली पे गिन के कीजिएगा ना सब दिमाग में बैठा कर तो आप बना सकते हैं। देखिए सबसे पहला आप क्या ले लीजिए, सबसे पहले ले लीजिए ए प्लस बी बिलोंग्स टू आई फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। नंबर 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आई। तीसरा बोलिएगा तो ए प्लस 0 बराबर 0 प्लस ए बराबर ए ए बिलोंग्स टू आई। नंबर 4 ए प्लस माइनस ए बराबर माइनस ए प्लस ए बराबर 0 जहां पर ए माइनस ए बिलोंग्स टू आई। 5 ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए ए बी बिलोंग्स टू आई। अबेलियन ग्रुप हो गया, अब क्या दिखाइएगा बोलिएगा तो, नहीं कमुटेटिव नहीं क्लोजर ए इंटू बी बिलोंग्स टू आई जहां पर ए और बी आई का सदस्य है। अब क्या दिखाइएगा एसोसिएटिव ए बी सी बराबर ए बी सी जहां पर ए बी सी बिलोंग्स टू आई। इतना हो गया तब लिखिएगा तब ना फिर आगे दिखाते हैं, पहले आप इसको नोट कीजिए, आप छोड़ दीजिए। ये आपका आज खत्म, हम लोग कल जो है बताइए क्या पढ़िएगा, क्या स्टार्ट कर दें, वेक्टर। ठीक है कल वेक्टर शुरू कर दें। सात आठवां बोलिएगा तो, आठ क्या दिखाते हैं आइडेंटिटी, नहीं आइडेंटिटी दिखा दीजिए ए डॉट 1 बराबर 1 डॉट ए बराबर ए ए बिलोंग्स टू आई। नौ
गो हो गया, आठ गो हुआ ना, ठीक। इनवर्स तो नहीं ना होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव दिखा दीजिए। बोले हाँ या नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव दिखा दीजिए। ए डॉट बी प्लस सी बराबर ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ए बी सी बिलोंग टू आई। दस क्या दिखा दीजिए, कम्यूटेटिव लॉ। ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, ए बी बिलोंग्स टू आई। अब 11, अब जो है ना, जिसको नहीं दिखाना उसको एग्जांपल से दिखाइए। टू इंटू वन बाय टू बराबर वन बाय टू इंटू टू बराबर वन, जहां पर टू बिलोंग्स टू कितना आई, दो तो इंटीजर है, यानी कि दैट इज इनवर्स ऑफ टू इज वन बाय टू, बट वन बाय टू डज नॉट बिलोंग्स टू आई। लेकिन ये भाई सब इंटीजर नहीं है, लिखेगा सो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, देयरफोर आई प्लस डॉट इज नॉट ए फील्ड। यानी कि ये भाई साहब जो है ना, इंटीग्रल डोमेन तो है लेकिन ये भाई साहब आपका फील्ड नहीं है, ठीक है। और यहां से पता है क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, देखिए क्वेश्चन हम बता देते हैं, एक क्वेश्चन आपका पूछता है, ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था। कैसे आया हुआ था, गिव एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल डोमेन व्हिच इज नोट ए फील्ड। लेकिन देखिए जब ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा ना, कैसे बनेगा पता है, इतना बनाइएगा तो इतना में नंबर नहीं देगा। सबसे पहले क्या कीजिएगा, लेट आई बी एन इंटीजर, समझ गए, सेट ऑफ इंटीजर प्लस डॉट बी बाइनरी ऑपरेशन। नाउ फर्स्ट आई हैव टू शो डेट आई प्लस डॉट इज एन क्या चीज, इंटीग्रल डोमेन। तो पहले आप क्या कीजिए, उसको इंटीग्रल डोमेन दिखा दीजिए। इंटीग्रल डोमेन में क्या क्या दिखाना पड़ेगा बोलिएगा, तो इंटीग्रल डोमेन में देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात, और क्या चीज, सात हो गया, और क्या क्या होता बोलिए। देखिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, ये सब दिखा दीजिए, इतना सब आपको दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या दिखाना, नॉन जीरो डिवाइजर, वो दिखाइएगा तब ना इंटीग्रल डोमेन होगा। तो नॉन जीरो डिवाइजर आप बताइए कि जैसे कोई संख्या है ए बी बराबर जीरो, तो आप जो है ना ए और बी इंटीजर है, और इन केस ए यदि जीरो के बराबर नहीं है तो किसी भी हालत में बी को क्या होना पड़ेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि आपका नंबर से, समझ गए, तो ई दिखा दीजिएगा, समझ गए, ई आपका कितना हो गया 10, और एक को ई दिखा दीजिए कितना हो गया 11, पहले इसको दिखा दिए, ये क्या हो गया बोलिए, तो इंटीग्रल डोमेन हो गया। अब जो है, अब फील्ड के लिए दिखाइएगा, तो फील्ड के लिए जो है ना लास्ट में एक को ई दिखा दीजिए, मतलब इसमें से एक को आपको ऐड करना पड़ेगा, ई वाला ऐड कीजिएगा तो इंटीग्रल डोमेन हो जाएगा, ठीक। और लास्ट में जो है ना आप एक को ई दिखा दीजिएगा, बस क्या हो जाएगा, ये फील्ड नहीं होगा, समझ गए बात को। तो यदि ये कंप्लीट क्वेश्चन पूछेगा तो एक एक्स्ट्रा एक को आपको और दिखाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए